पिछली बार जब न्यूजीलैंड ने भारत का दौरा किया था और केदार जाधव ने गेंदबाजी करते हुए केन विलियम्सन को आउट किया था, तो न्यूजीलैंड के दिग्गज स्कॉट स्टायरिस ने कहा था कि वे उनका तुका विकेट था। लेकिन जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती दो वनडे में कमाल की गेंदबाजी की तो स्कॉट स्टायरिस ने अपनी गलती काबू ली। मैच के बाद जब केदार जाधव आए तो उन्होंने बताया कि किस तरह से धोनी ने उनसे उस दौरे के दौरान पूछा कि जाधव को क्या आप अच्छा गेंदबाज नहीं मानते। तब तो स्टायरिस ने मना किया था, लेकिन इस दौरे में उनकी शानदार गेंदबाजी देखकर उन्होंने उनसे बाकायदा माफी मांगी और कहा कि वे गलत थे। वास्तव में केदार शानदार गेंदबाज हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज केदार जाधव ने रॉस टेलर को धोनी के हाथों स्टंप आउट कराया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने 90 रन से मेजबान टीम को मात दी है और लगातार दूसरे मैच में हराया है। इसी के साथ ही टीम इंडिया ने 5 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है।